हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दिन की शुरुआत हुई है काफ़ी अच्छी, ये देख लो पीछे बैकग्राउंड। तो अभी काफ़ी तेज़ की धूप निकली है और आज एक टाइप से हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो जो भी स्टूडेंट थे, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जब एग्ज़ाम्स का लास्ट दिन होता है, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, उसी एग्जैक्ट टाइम पर हो जाते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो मेरी तरफ़ से आप सबको, मेरे को पता नहीं कि आपके ख़त्म हुए हैं कि नहीं एग्ज़ाम, बट हाँ मेरी तरफ से कमेंट में स्पैम कर दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो गाइज, अब चलते हैं अंदर और देखेंगे कुछ काम कर। सो गाइज, लंच टाइम हो चुका है और यहाँ पे लंच में दाल चावल। तो चलो अभी इन दोनों का आया नहीं, ये भी आएंगे खाएंगे फिर। सो गाइज, दिन के टाइम पे इतनी मेहनत से फ्री टाइम मिला था, उसमें भी गोल्डी को ख़राब करना होता है। मैं फ्री फायर खेल रहा था, मुझे से गोल्डी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी गोल्डी की। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या परेशानी गोल्डी पे आन पड़ी। चिल्ला तो बड़ी देर रहा था, देखे क्या होगा भैया। पक्का लग ही रहा था भैया, नीचे उतार दो। उतारू नीचे? प्लीज उतार। सॉरी भैया बोलना पड़ता है। क्यों? सॉरी बोल पहले। क्यों बोलूं? ठीक है ऊपर ही रह फिर। मैं खुद ही आ जाता हूं। हां आके जाओ। डर तो लगेगा ही तेरे को। गाइस पता नहीं पहले जब वहां पर था गोल्डी बंग बेड के ऊपर जाता रहता था, इसीलिए उसे आदत हो गई थी, तो उसे यार डर भी नहीं लगता था। क्या बोल रहे हैं? देखो गाइस जी कैसे बच्चों जैसे एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग नहीं, सच में कह रहा हूँ, उतार दो भैया। नहीं यार मैं नहीं उतारूंगा, अब आएगा मजा। गाइस मैं अपने सारे बदले पूरे कर सकता हूँ। सॉरी बोल पहले। ऊपर से चाटे मार दूंगा। हाँ नीचे पहले नीचे आ जाऊंगा। हाँ मेरे बिना आ ही नहीं सकता तू, और मम्मी पापा भी घर में नहीं है। ओ भाई सब क्या ट्रिक है तो, और नाई नाना जी सो रहे हैं कमरे में। सो गाइस मैं चाहता हूँ मेरा प्यारा भाई इंडिपेंडेंट बन जाए, इसलिए मैं उसे बोल रहा हूँ खुद उतरने की ट्राई कर, देखते हैं गोल्डी खुद उतर पाता है कि नहीं। क्या कर रहे हैं नीचे? उतर नहीं पा रहे हैं। आ ट्राई तो कर, पैर से नीचे रख। पैर नहीं पहुंच रहे। अटक गया क्या उधर ही? क्या एक्टिंग कर रहा है? ये चिपक गया होगा गम से उसी में। गोल्डी को खींचना पड़ेगा। नहीं, तो ऊपर ही फंसे रह फिर आ जा, तो यही ट्रिक है। ठीक यहाँ से गोद में आ जा। मैं क्यों? तो ठीक है आओ गिरा दोगे पता है। यहाँ जान मुझ कैसे फेंक दूंगा मैं नीचे, जल्दी अब गिराना थोड़ी ना है तू। इतना भारी हूँ ना मैं, 250 गिरा हूँ। नहीं नहीं मैं उठा लूंगा 250 किलो, मैं जिम जाता हूँ। झूठ कितना बोल रहे हो, सोसाइटी में जिम भी नहीं। आना तू, क्या इरिटेट कर रहा है? पापा बाहर गए हैं, मैं फोन नहीं कर सकता हूँ। आपके पास मैं करूंगा ही नहीं, आ जाए नहीं जाओ। मैं कह रहा हूँ मैं उतार दूंगा, इतना भी विश्वास नहीं है इसे मुझ पे। अब आएगा भी नहीं, जल्दी आ। ये तू पागल है। गोद में उठा लेना सीधी सी बात। हाँ तो उठा लूंगा सिर गोल्डी और पेट ट्रिक है, अगर देखो उतरना है यहाँ से। हाँ तो पहले पैर यहाँ से लटका फिर उल्टा हो जा, फिर मैं तेरे को गोद में लेके नीचे का छोड़ दूंगा। यहाँ पहले पैर लटकाओ। हाँ उल्टा हो जा। हाँ अब आप डर के रहे। मैं दाई मैंने खुद की मेहनत से उतर गया। बहुत मेहनत दिमाग लगाया है, उतर गया हूँ फाइनली, बहुत दिमाग लगा के। ये गाइस को अच्छा काम करो, इसलिए क्रेडिट भी नहीं देता है। 10 गुना के दिमाग लगा के मैं वो कर चुका हूँ फाइनली गाइस। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको क्या लगता है किसकी मदद से गोल्डी उतरा है। उसने मैं खुद उतरूंगा गाइस। नहीं मैंने उतारा गाइस, क्रेडिट मेरे को जाता है सारा। चल अब चलते हैं, इससे बढ़िया मैं गेम ही खेल लूं, इरिटेट कर रहा है। सो गाइस अभी मैंने गेम में लॉग इन करा और देखा कि कोबरा बंडल रिटर्न में है, तो ये इस बार भैया मैं निकाली। तो पिछली बार मैंने पहले निकाला था क्रिमिनल, तो इस बार मैं गोल्डी अपने प्यारे भाई को मौका दे रहा हूँ। गोल्डी तू निकाल कोबरा बंडल। सो मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड। देखो कुछ ज्यादा खुशी हो रही है। ओह गोल्डी अपने अपनी आईडी में कोबरा बंडल पहन के घूमेगा और वो 3 इमोट भी करेगा। अच्छा अच्छा क्यों? हाँ गोल्डी मुझसे तो कुछ निकल ही नहीं रहा। हाँ भाई गोल्डी इतने बंडल निकालेगा कि गिरना भी डर जाएगा। ऐसी लाइन मत बोल, कहीं करें ना दे ही ना बंडल। सो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं,
और अचानक से भी हमारा सडन प्लान बना है कहीं मार्केट जाने का, तो देखेंगे थोड़ा घूम भी लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे और थोड़ी पेट पूजा भी कर लेंगे। तो चलो अब चलते हैं मार्केट और देखेंगे क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं उधर। ऐसा लग रहा है इतने टाइम बाद हम बाहर घूमने आ रहे हैं, मेरे एग्जाम चल रहे थे इतने टाइम, मेरे को मजा आ गया। अभी तो कुछ करा भी नहीं, अभी से मजा आ गया। हाँ मजा आ रहा है गाड़ी में। गाड़ी में मजा आ रहा है। तो गाइस काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आज का, क्योंकि इतने टाइम बाद हमारे मेरे एग्जाम चल रहे थे, तब से मैं पक चुका था एकदम। तो अब बढ़ गया, क्यों बोल रही। चलो अब चलते हैं। गाइस यहाँ पे माल्य बन रहा है चीला, गोल्डी तो पाव भाजी खा रहा है ना, तू पाव भाजी खाएगा ना? हाँ अभी ना। हाँ चल पाव भाजी कर लिया हमने तो अपनी, और मम्मी पापा के लिए चीला बन। हाँ तो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा चीला। तो अभी यश खाएगा, तब तक मैं चलता हूँ। सो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही ज्यादा मजे भी करे हमने, और आज तो वैसे मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो आज फर्स्ट डे है। खैर फर्स्ट डे भी नहीं कह सकते क्योंकि सुबह तो मैंने एग्जाम दिया, तो कल होगा फर्स्ट डे, और वैसे भी कल तो वीकेंड है संडे, तो काफी ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं, वैसे भी करते ही है, बट और ज्यादा वीकेंड भी आपको पता ही है और ज्यादा मजे हो जाते हैं। मजा आया था। और गोल्डी है तो आज कुछ अलग ही शॉपिंग करिए गाइस। हाँ। कुछ सीक्रेट शॉपिंग तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, आज के व्लॉग में नहीं दिखाई है। तो काफी अच्छी शॉपिंग करी है गोल्डी तूने, क्यों? हाँ। थोड़ा हिंट देना चाहते हैं कुछ? आज दे दूँ। चल सोचने दे, मेरे को भी ऐसे याद।